हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एम ए फर्स्ट सेमेस्टर के एक नए सब्जेक्ट, नए विषय पर चर्चा करेंगे। एक्सटेंशन एजुकेशन अर्थात प्रसार शिक्षा के नाम से जिसे जाना जाता है, और इस समय जो आपकी बुक चल रही है उसका नाम है सामुदायिक विकास हेतु प्रसार एवं संचार अर्थात एक्सटेंशन इन कम्युनिकेशन फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट। ओके, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन जो एक्सटेंशन वर्कर हैं व्हाट दे आर डूइंग इन एक्सटेंशन एजुकेशन एक्सेट्रा। ओके, तो जो सबसे पहली इकाई है वो है प्रसार शिक्षा की अवधारणा, अर्थात प्रसार शिक्षा की अवधारणा, प्रसार शिक्षा की आवश्यकता। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे प्रसार शब्द जो है वो कहाँ से आया, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, और प्रसार शिक्षा की क्या परिभाषा है, कैसे इसे समझा जा सकता है। और जैसे आप पढ़ रहे हैं गृह विज्ञान के साथ, ठीक है, तो गृह विज्ञान के साथ प्रसार शिक्षा पढ़ाने का क्या रीज़न है, और क्या दोनों के बीच में कनेक्शन है कि हम गृह विज्ञान के साथ इसको पढ़ा रहे हैं प्रसार शिक्षा को। इसके अलावा प्रसार शिक्षा की आवश्यकता क्यों आई और क्या महत्व है इसका हमारे जीवन में या किसी के भी जीवन में क्या महत्व है। इसके अलावा कौन वो लोग हैं जो प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं, जिन्हें प्रसार कार्यकर्ता कहते हैं, तो प्रसार कार्यकर्ता क्या हैं, उनकी क्या भूमिकाएं हैं, उनके क्या क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं जो उनमें प्रसार का कार्य करने के लिए होने चाहिए, जो उन्हें एक अच्छा प्रसार कार्यकर्ता बनाते हैं। इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, जैसे ये तो है एक्सटेंशन एजुकेशन प्रसार शिक्षा। इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षा है, सतत शिक्षा है, कार्यात्मक साक्षरता है, सामाजिक शिक्षा, ये सब अलग अलग वर्ड्स हैं, तो इनके क्या क्या मीनिंग है ये सब भी आप इस इकाई में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं शिक्षा से। शिक्षा से क्या समझ में आता है? शिक्षा अर्थात किसी व्यक्ति को शिक्षित करना, किसी भी प्रकार से शिक्षित करना। जरूरी नहीं है कि मैं आपको अपने, जैसे मैं अभी ये लेक्चर दे रही हूँ, इस तरीके से एक शिक्षा का एक ही प्रकार है, एक इनडायरेक्ट है कि आप कहीं बैठे हैं, जैसे हम जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ में आप कुछ डे टू डे लाइफ में जो चीज़ सीखते हैं, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम देना है, तो अलग अलग प्रकार की शिक्षा पद्धतियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। तो बेसिकली हम शिक्षा को तीन प्रकार से समझ सकते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं औपचारिक शिक्षा अर्थात फॉर्मल एजुकेशन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, फॉर्मल एजुकेशन मतलब जो शिक्षा स्कूलों में, कॉलेजों में दी जाती है, अर्थात जो हम नर्सरी से लेके आगे अपनी हायर एजुकेशन, जो भी आप डिग्री लेते हैं, जो ये पढ़ाई होती है ये आपकी फॉर्मल एजुकेशन होती है, जिसमें आपको एक एनवायरमेंट दिया जाता है जिसे आप क्लासरूम कहते हैं, जिसमें आपकी टीचर होते हैं, आपका एक पेयर ग्रुप होता है अर्थात क्लास में आपके क्लासमेट्स होते हैं, बोर्ड होता है, और सब कुछ, मतलब एक एनवायरमेंट होता है क्लास का, ठीक है, इसे फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इसके बाद आती है इनफॉर्मल एजुकेशन या अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा होती है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ से सीखते हैं, अर्थात हम अपने काम से, हम अपने कहीं हम जा रहे हैं उस समय, मतलब उसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई फिक्स जगह नहीं है, ठीक है, कोई फिक्स मतलब स्थान नहीं है जहाँ पे आपको जाना है, जहाँ पे आपको सीखना है, वो आपको कहीं पे भी कुछ भी सीखने को मिल सकता है। तो यह अनौपचारिक शिक्षा का एक उदाहरण है। जैसे आप टेलीविज़न देखते हैं, या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से अगर आपको कोई नॉलेज गेन होता है तो इसे अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। इसके बाद गैर औपचारिक शिक्षा आती है। गैर औपचारिक शिक्षा में ही आपका प्रसार शिक्षा भी आता है, सतत शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा सब इसी में आते हैं। तो ये शिक्षा एक पर्टिकुलर टारगेट पीपल्स होते हैं या टारगेट ग्रुप्स होते हैं जिनको, जिनके बारे में सोच के इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी भी ग्रुप की, किसी कहीं पर रह रहे लोगों की बारे में आप कोई सर्वे करते हैं या कोई जानकारी एकत्रित करते हैं, जिसके आधार पर आपको पता चलता है कि इस जगह पे इस किसी पर्टिकुलर किसी मशीनरी की, किसी पर्टिकुलर नॉलेज की ज़रूरत है उन्हें, तो आप
टारगेट ग्रुप आपको पता हो गया, उनकी जरूरत आपको पता हो गई, तो आप अब जानकारी इकट्ठा करेंगे कि इस टाइप की कोई चीज क्या उनको फायदा देने में, कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा इनोवेशन है, कोई ऐसी विधि है, कोई मेथड ऐसा है जिससे उनको इससे फायदा हो सके। तो ये सब आता है आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। इसके अंतर्गत जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है क्या क्या आता है, प्रसार शिक्षा, सतत शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, और इसके अलावा और भी दो तीन टाइप के हैं जो इसके अंतर्गत, मतलब ये औपचारिक शिक्षा से अलग है, ठीक है। इसके अलावा आपको कहीं स्कूल नहीं जाना है, कहीं कॉलेज नहीं जाना है, कहीं किसी क्लास में नहीं बैठना है, कोई टीचर पर्टिकुलर टीचर नहीं होता, जिसमें इसमें प्रसार कार्यकर्ता रोल करते हैं। इसमें केवल नॉलेज का आदान प्रदान टाइप का होता है, मतलब कि आपको नॉलेज का प्रसार किया जाता है टारगेट ग्रुप के बीच में, ठीक है। तो ये गैर औपचारिक शिक्षा। आइए शुरुआत करते हैं प्रसार शिक्षा से, क्योंकि ये प्रसार शिक्षा का ही हमको मेन सब्जेक्ट है, प्रसार की शिक्षा के बारे में ही हमने सीखना है। तो शुरुआत पहले इससे करते हैं कि प्रसार शिक्षा शब्द कहाँ से आया। प्रसार शिक्षा को इंग्लिश में कहते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन, और जो एक्सटेंशन शब्द है वो एक लैटिन शब्द है, लैटिन वर्ड है, उसे लिया गया है, जिसमें एक्स का मतलब तो होता है आउट और टेंसियो का मतलब होता है स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग आउट, ठीक है, किसी चीज का बाहर प्रसार करना, प्रसारित करना, खींचना, तो इस प्रकार से उसका विस्तार करना, कुछ किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये आपका प्रसार शिक्षा होती है किसी भी, तो प्रसार शिक्षा में जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, प्रसार शिक्षा में किसी भी नॉलेज, किसी भी इनोवेशन, किसी भी नए कोई भी नई विधि, कुछ भी नया कोई चीज आता है उसका प्रसार प्रचार कर रहे, ये प्रसार शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। प्रसार शिक्षा और गृह विज्ञान, जैसे कि आप गृह विज्ञान के विद्यार्थी हैं और आपको प्रसार शिक्षा का विषय पढ़ाया जा रहा है, तो इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? देखिए, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि गृह विज्ञान जो है ये एक बहुत ही बड़ा वृहत क्षेत्र है, जिसमें आप अलग अलग सब्जेक्ट्स का पढ़ते हैं, सब्जेक्ट्स को, जैसे फूड न्यूट्रिशन है, जैसे क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल है, आपका एक्सटेंशन एजुकेशन है, आपका फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड साइकोलॉजी है, तो इस तरह से एक बहुत ही वृहत क्षेत्र है। तो आप इसको गृह विज्ञान को केवल ग्रह तक सीमित नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो गृह विज्ञान अगर कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है या गृह विज्ञान सब्जेक्ट आपका है, तो इससे आप जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप उससे लोगों को क्या फायदा पहुंचा सकते हैं, या लोगों को कैसे आप इसको बेनिफिट दे सकते हैं कि आपकी पढ़ाई, आपका सीखा हुआ लोगों के काम आए। तो जैसे आप एक सब्जेक्ट उठा लेते हैं, हम कोई फूड न्यूट्रिशन है, आहार एवं पोषण, तो आहार एवं पोषण केवल खाना बनाने में सीमित नहीं है, ठीक है। आहार पोषण में आप अगर शुरू करें तो आप पोषक तत्वों के बारे में पढ़ते हैं, एक आप संतुलित आहार के बारे में पढ़ते हैं, संतुलित आहार क्या होता है, ठीक है, और इसके अलावा डाइट प्लानिंग पढ़ते हैं, डाइट प्लान फॉर इल पर्संस, मतलब बीमारियों में किन किन बीमारियों में कैसा कैसा भोजन दिया जाना चाहिए, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज हैं या छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, एडोलेसेंस हैं, तो हर उम्र के हिसाब से कौन कौन सा भोजन किस तरीके से देना चाहिए, कौन सा पोषक तत्व किस समय, किस एज में, या फिर किस किन किन परिस्थितियों में किस किस पोषक तत्व की मात्रा घटाई या बढ़ाई जाती है, ये सब भी आप इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं किसी गांव में रह रहे व्यक्ति की, या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे इतना पढ़ा लिखा पीपल, मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, पढ़ा लिखा मास नहीं है जहाँ पे, तो वहाँ पे आपका एज अ होम साइंस स्टूडेंट एंड एज अ एक्सटेंशन वर्कर, ठीक है, होम साइंस स्टूडेंट कैन बी अ एक्सटेंशन वर्कर, ओके, ही और शी कैन वर्क लाइक एक्सटेंशन वर्कर। हाउ, जैसे आपने अभी मैंने बताया, जो आपने फूड न्यूट्रिशन में इतना सब कुछ पढ़ा है, आप ये जाके गांव में महिलाओं को बता सकते हैं कि कैसे वो अपने फैमिली का, अपना, बच्चों का अच्छे पोषक, मतलब जो घर पे आपके अवेलेबल है उसी उन्हीं भोज्य पदार्थों से कोई एक अच्छा पोषक तत्वों से भरा हुआ भोजन बना सकते हैं, जिससे कि उनकी जो न्यूट्रिएंट्स की डेली नीड है, पोषक तत्वों की रोजमर्रा की जरूरत है, वो पूरी हो जाए,
क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि कौन सा पोषक तत्व तो कितनी मात्रा में लेना है। तो हो सकता है वो प्रोटीन बहुत ले रहे हो बट आयरन ना ले रहे हो सकता है वो कार्बोहाइड्रेट बहुत ले रहे हो बट प्रोटीन ना ले रहे हो। तो पेट भरने से मतलब नहीं है, पोषक तत्वों की पूर्ति होना बहुत आवश्यक है। तो यह बात भी उनके बीच में इसका प्रचार प्रसार भी किया जा सकता है। तो मैं केवल एक एग्जाम्पल देकर आपको समझा रही हूँ कि कैसे एक होम साइंस का स्टूडेंट एक अच्छा एक्सटेंशन वर्कर बन सकता है। ठीक है, इसी तरह से और सब्जेक्ट्स भी है, जैसे क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल है। क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल में आप अलग नई नई मशीनरीज हैं, ठीक है, जो जो आपको जो आप पढ़ेंगे आगे या जिसके बारे में आप इसमें पढ़ते हैं तो उनके बारे में बता सकते हैं। अलग अलग मेथड्स हैं, कपड़ों की सुरक्षा से संबंधित है, कलर से संबंधित है, किस तरीके से कपड़ों का रख रखाव बचाओ, ये सब भी हम जानकारियाँ उन तक पहुँचा सकते हैं। तो इस प्रकार से एक अच्छी जानकारी का प्रसार प्रचार होगा, जिससे कि उन लोगों का अपना स्तर अच्छा होगा, वो लोग भी थोड़ा जानकारी उनको भी मिलेगी कि कैसे हम वह भी अपनी जिंदगी को या अपनी लाइफ में चेंजेस कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं प्रसार कार्यकर्ता। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रसार कार्यकर्ता का कार्य क्या है? प्रसार कार्यकर्ता का कार्य प्रसार करना है किसी भी जानकारी का। तो प्रसार कार्यकर्ता वह व्यक्ति है जो जो एक टारगेट ग्रुप कहीं का भी हो सकता है, जो कि उनके जीवन में आने वाले अच्छे चेंजेस परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार होता है। वो उनके कौशल, ज्ञान, इन सब चीज़ों में चेंजेस लाता है। ठीक है, तो वह एक शिक्षक होता है, एक नेता होता है, एक दार्शनिक, एक मार्गदर्शक, सब कुछ होता है। एक प्रसार जैसे एक टीचर होता है, वैसे एक प्रसार कार्यकर्ता भी होता है। तो इनको एक परिवर्तन एजेंट के रूप में भी आप जान सकते हैं, उनको ये भी कहा जा सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रसार कार्यकर्ता के क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या गुण उनमें आवश्यक हैं, जो कि आप ऐसे जितना मैंने आपको भी बताया इसके आधार पर बता सकते हैं। विषय का ज्ञान होना चाहिए उसे कि किस जैसे अगर मैं अगर आप जा रहे हैं वहां पे, अगर आपको उनको पोषक तत्वों के बारे में बताना है कि डेली कितने पोषक तत्व खाने, तो इसकी जानकारी पहले आपको होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्योंकि अगर आप ही को नहीं पता होगा तो आप जानकारी कैसे दोगे, है ना? तो विषय का ज्ञान बहुत आवश्यक है। सहानुभूतिक रवैया होनी चाहिए, सहानुभूति, क्योंकि जो विलेज पीपल्स होते हैं या जो जो भी इन जगहों के पिछड़ी जगहों में या फिर कह लीजिए कम पढ़ा लिखा जो वहाँ से, बहुत इमोशनल होते हैं। तो उनके साथ थोड़ा सा आपको सहानुभूति रखनी चाहिए कि वो लोग ऑलरेडी सफर कर रहे हैं, परेशानी में हैं, तभी उनकी ज़रूरतें हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सहानुभूतिक रवैया होना चाहिए, हमें उनका मजाक नहीं बनाना है, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना है। आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए आपका। आकर्षक व्यक्तित्व इज नॉट अबाउट योर फिजिकल अपीयरेंस, इट इज अबाउट फिजिकल बट एज वेल एज योर ओवरऑल पर्सनैलिटी। लाइक कि आपको बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए अबाउट योर सब्जेक्ट, अबाउट योर वर्क। तो इससे क्या होगा, आप कॉन्फिडेंट जितना होंगे उतने ही वो लोग आप पे विश्वास करेंगे। आप तो जो प्रसार कार्यकर्ता एक अच्छा संगठनकर्ता होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, एक अच्छा प्रेरक जो कि लोगों को किसी भी इनोवेशन को अडॉप्ट करने के लिए प्रेरित कर सके, उत्साह और ऊर्जा से भरपूर होना चाहिए। ठीक है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इस तरह के कार्य में कई बार आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लोगों का नकारात्मक रवैया हो सकता है आपके कार्य के प्रति, तो वो भी आपको झेलना पड़ेगा। तो इसके लिए जरूरी है आपका बहुत ज्यादा उत्साहित रहना और ऊर्जावान लगातार बने रहना। साहसी होने चाहिए, पहल करने का जज्बा होना चाहिए, अच्छा संचार कौशल, मित्रतापूर्ण व्यवहार, ईमानदार होना चाहिए, ईमानदारी अबाउट योर वर्क एंड अबाउट देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। ओके, तो यू हैव टू यूज द इंफॉर्मेशन गिवन प्रोवाइडेड टू यू ओनली फॉर योर प्रोफेशनल वर्क। ओके, डोंट उसका यूज जो है, आप प्लीज एक प्रसार कार्यकर्ता को उनकी दी गई जानकारियों का यूज जो है वो किसी भी गलत काम में, ये कह लीजिए, या किसी पर्सनल यूज के लिए नहीं करना है। आपको केवल जिस चीज के लिए आपने डेटा कलेक्ट किया है उसका प्रयोग वहीं तक करें। दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है कि उनको ये काम करना है तो उसको उसका दृढ़ निश्चय करना चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका के बारे में बात करते हैं। तो आप जैसे कि समझ ही गए हैं, प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका है लोगों का जीवन स्तर सुधारने में, आत्मनिर्भर बनाने में, लोगों को उनकी जरूरतों को प्राथमिकता देनी है, लोगों में आत्मविश्वास पैदा करना है कि वो कर सकते हैं ये काम, पुनर्निर्माण गांव, अगर आप गांव पे कहीं इंटीरियर उस पे काम कर रहे हैं तो आपको उनके पुनर्निर्माण पे काम करना है। स्थानीय संसाधनों का मैक्सिमम यूज करने पे जोर देना है ताकि
लो बजट काम हो, लोगों को ज्यादा पैसे खर्च, क्योंकि पैसे का ही सबसे बड़ा इश्यू रहेगा, मॉनिटरी जो इश्यू होता है ये सबसे बड़ा इश्यू होगा वहाँ पे। तो आपको थोड़ा सा प्रसार कार्यकर्ता को ये ध्यान देना पड़ता है कि वो लोग पैसा ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, उनके जो लोकली अवेलेबल जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको मैक्सिमम यूज किया जाए। और फाइनली सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाता है एक प्रसार कार्यकर्ता। तो ये सब तो बात हुई एक प्रसार कार्यकर्ता के बारे में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एक प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। प्रौढ़ शिक्षा क्या होती है? जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि प्रौढ़ शिक्षा अर्थात ऐसे एडल्ट, ऐसे वयस्क जिनकी किसी रीजन से पढ़ाई छूट गई हो, और या फिर उन्होंने छोड़ दी हो, स्कूली शिक्षा प्राप्त ना करी हो, या बिल्कुल ही नहीं पढ़ी हो, या कुछ पढ़ी हो फिर छोड़ दी हो, तो उनको उनके अलग अलग उनके इंटरेस्ट के बेस पे या उनकी जॉब के बेस पे अलग अलग तरीके से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, या फिर उनको उन्हीं के क्षेत्र में एडवांस इन्फॉर्मेशन देना, उनको जानकारियां देना, नई नई बातें बताना, दैट इज प्रौढ़ शिक्षा। और इससे उनकी इंडिपेंडेंसी बढ़ेगी, उनके ज्ञान कौशल रवैया सब कुछ चेंज होगा, सब चीज़ों में चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड एडल्ट एजुकेशन या प्रौढ़ शिक्षा। नाउ नेक्स्ट इज कंटिन्यूइंग एजुकेशन या सतत शिक्षा। सतत शिक्षा एक निश्चित स्तर के स्कूली शिक्षा के बाद शुरू होती है। सतत शिक्षा में उन शिक्षण अवसरों को शामिल किया जाता है जो प्रारंभिक शिक्षा के पूरा होने के बाद मिलती हैं। ठीक है, इसमें क्या करा जाता है कि जैसे ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जाते हैं कि जिससे आप अपने क्षेत्र में और अच्छा कर सकें। तो ये कॉन्टिन्यूस होते हैं, लगातार आपको हर साल भी हो सकते हैं, हर साल कोई नया ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकता है, कोई नई चीज़, कोई नया सॉफ्टवेयर, कोई नया डेवलपमेंट जो भी हो वो आपको उससे इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिससे कि आप और बेटर अपने क्षेत्र में कर सकें। इसके बाद बात करते हैं कार्यात्मक साक्षरता। कार्यात्मक साक्षरता है कार्य करने योग्य साक्षरता, जिससे कि आप कोई भी अपना कार्य कर सकें, इतना मिनिमम साक्षर होना। उसके बाद होता है सामाजिक शिक्षा। सामाजिक शिक्षा अर्थात ऐसी शिक्षा जो आपको समाज में रहने योग्य बनाती है, समाज में जो चेंजेस हो रहे हैं, समाज में जो बदलाव आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आप में चेंज लाना, उस हिसाब से आप मतलब उस हिसाब से लोगों को उनकी गुणवत्ता सुधारना, उनके रवैये में चेंज लाना। तो इससे क्या होगा कि वो जो एक सोसाइटी में अच्छा फील करेंगे और सोसाइटी में अपने को ज़्यादा बेहतर स्थापित कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों, आज आपने एक्सटेंशन एजुकेशन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा। ठीक है, इसके बाद आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि क्या मेथड्स होती हैं, कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन किस किस तरीके का मास होता है जिसको हमको शिक्षित करना होता है इन द एक्सटेंशन एजुकेशन। इस इकाई में इतना ही। थैंक यू।